हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इस वीडियो से पहले हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ माइनर्स, कंसेप्ट ऑफ कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग समझ लिए थे। इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.4। लेकिन स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 को कवर करने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। कंसेप्ट ये स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आप लोगों को कोई डिटरमिनेंट दे दिया है ए बी सी और डी। अब देखो, ऐसे तो अगर कोई बोले कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर देते हैं। कैसे? इसका इंटू इसमें क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ए डी, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस अब क्या आ जाएगा, बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। लेकिन एक और तरीके से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसका स्टूडेंट्स, डेल का। वो ये होगा कि जो भी आप चाहे रो वाइज ओपन करें या कॉलम वाइज ओपन करें, जो भी आप लोग एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट और अगर सम करेंगे, तो उस डिटरमिनेंट का क्या आ जाएगा, वैल्यू। जैसे ये जो एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये 1-1 वाला एलिमेंट है। मान लेते हैं कि ये कौन है हमारे पास, ए 1-1 है, मतलब एलिमेंट ऑफ ये हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, 1-1 वाला। और इसी के साथ इसका क्या कर दीजिए आप लोग, C11, मतलब इसका कोफैक्टर ले लीजिए, उनका दोनों का प्रोडक्ट प्लस स्टूडेंट्स अगला कौन आने वाला है, A12, यानी एलिमेंट ऑफ 1-2। ये जो है क्या है, एलिमेंट ऑफ 1-2, और इसके साथ जो इंटू आने वाला है वो किसका स्टूडेंट्स, कोफैक्टर ऑफ C12। तो ये जो आपका क्या आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट का क्या आ जाएगा, वैल्यू। अब स्टूडेंट्स को ऐसा लगा, नहीं सर मेरे को थोड़ा कम समझ में आया। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं समझाता हूं। A11 यानी एलिमेंट ऑफ 1-1, तो एलिमेंट ऑफ 1-1 कौन है स्टूडेंट्स, A, इंटू कौन है, C11। C11 यानी 1 और 1 कितना स्टूडेंट्स, 2, यानी क्या बना ये, E1, यानी कैसे आना है वो एलिमेंट, तो आना है पॉजिटिव। लेकिन 1 को रो छोड़िए और 1 ही आप कॉलम छोड़िए, 1 रो 1 कॉलम, कौन आ चुका स्टूडेंट्स, D। ठीक है, फिर कौन है स्टूडेंट्स, प्लस 1-2 यानी एलिमेंट ऑफ 1-2, तो एलिमेंट ऑफ 1-2 कौन है स्टूडेंट्स आपके पास, एलिमेंट ऑफ 1-2 जो है आपके पास C, एलिमेंट ऑफ 1-2, ये 1 रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन है, 1-2, और क्या चाहिए, C12। C12 यानी 1 और 2 दोनों मिलकर क्या हो चुका है, ओड यानी क्या आएगा, माइनस। तो आपको क्या करना है, 1 तो रो छोड़ना है और सेकंड कॉलम छोड़ना है, कौन आ चुका है स्टूडेंट्स, डी आ चुका है। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या देगा स्टूडेंट्स, एडी, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या चुका है, डीसी। तो उससे भी आप लोगों का डिटरमिनेंट का वैल्यू यही आया है। तो मतलब आपको क्या करना है, जो एलिमेंट और उसमें करस्पॉन्डिंग उसका कोफैक्टर के जो प्रोडक्ट का जो सम होगा, वही डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में, एक छोटा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत ही आसानी। अभी दो क्वेश्चन में भी ऐसा आएगा, तो मैं और आप लोगों को वहां पर इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगर हम लोग आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो आपका एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट है आपका 2, 2, 0, माइनस 4 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकेंड है इसमें, फर्स्ट के सेकेंड में ए बी सी और डी। क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट्स, पहले के लिए माइनस की बात करें तो क्या आएगा, M11, यानी फर्स्ट तो आप रो छोड़िए, फर्स्ट कॉलम छोड़िए, कौन आ जाएगा, 3। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें M12 की, तो 1-2 की बात करें तो 1 तो आपको रो छोड़ना है और सेकंड आपको क्या छोड़ना है, कॉलम, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर अब हम बात करें स्टूडेंट्स M21 की, तो सेकंड तो क्या छोड़ना है आपको, रो, और फर्स्ट, इसमें प्लस माइनस नहीं देखते हैं, किसमें देखते हैं, कोफैक्टर में देखते हैं, माइनर में वो ऑड इवन नहीं देखना है। अब 2-1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 4। और स्टूडेंट्स M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, वैल्यू कितना हो गया, 2। तो ये तो क्या आ चुके हैं, इसके माइनर आ चुके हैं स्टूडेंट्स, क्या आ चुके हैं, माइनर्स आ चुके हैं। अगर अब हम बात करें स्टूडेंट्स के कोफैक्टर की, किसके स्टूडेंट्स, कोफैक्टर की अगर हम बात करें, तो पहले कौन आएगा स्टूडेंट, C11, 1 और 1 कितना हुआ, 2, यानी इवन, यानी क्या आएगा, प्लस। अब ये प्लस तो 1-1, तो 1 तो आपको रो छोड़ना है, ये 1-1 यही आ जाएगा, कुल मिलाकर प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या आना है स्टूडेंट्स, C1 और क्या चाहिए आपको, 2, 1-2, 1 और 2 कितना आएगा, माइनस, लेकिन 1-2 कितना आया था, 0, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब क्या चाहिए आपको स्टूडेंट्स, C21, 2 और 1 कितना हो चुका है, 3, यानी क्या हो चुका है, ओड, यानी क्या आएगा, माइनस, लेकिन 2-1 हम निकाल चुके, कितना आया था, -4, तो -, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +4। अगर हम बात करें C22, तो 2 और 2 कितना हो चुका है, 4, 4 यानी क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, तो क्या आएगा, प्लस, लेकिन 2-2 कितना आया आपके पास, 2। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनर्स ही आपके कोफैक्टर्स होंगे, बस आपको साइन क्या कर देना है, चेंज, वो भी किस केस में,
जब उन दोनों का सम क्या हो ओड, और इवन वाले में तो एज इट इज दिया जाना है, कोई चेंज नहीं। तो ये आपका माइनस और कोफैक्टर्स आ चुका है किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का। चलिए इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या निकालने वाले हम लोग पहले माइनस, ठीक है। माइनस अगर हम लोग निकालें तो पहला क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, एम वन वन। एम वन वन की बात करें तो फर्स्ट तो आपका जाएगा रो और फर्स्ट जाएगी आपकी कॉलम, मतलब कौन आ जाएगा सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर। यहीं पर ब्रैकेट में मैं सी वन वन भी लिख देता हूं। सी वन वन की अगर हम बात करें, सी वन मतलब कोफैक्टर, माइनस एंड कोफैक्टर दोनों साथ में लिख लेते हैं, माइनस एंड कोफैक्टर आपको अलग अलग निकालना है स्टूडेंट्स, नहीं समझे जैसे इधर किया वैसा कॉपी में एग्जाम में ऐसा करना है। मैं यहां पर आप लोगों को समझा देता हूं कि क्या होगा। वन और वन कितना हुआ, टू हुआ, मतलब कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो कंफ्यूज हो जाओगे क्या, अलग अलग ही निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। एम वन वन आ चुका है, अब क्या करते हैं एम वन टू को फाइंड कर लेते हैं। यानी आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और कौन आ चुका है स्टूडेंट्स आपके पास, बी, ठीक है। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम टू वन, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कौन आ गया सी, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, एम टू टू, टू टू यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और कौन आ चुका है ए। अब क्या निकालेंगे इसके स्टूडेंट्स, कोफैक्टर, क्या निकालेंगे आप लोग, कोफैक्टर क्या निकलेंगे, सी वन वन, वन और वन कितना हो चुका है टू, यानी इवन, इवन यानी पॉजिटिव, तो यही वन वन यही काम आ जाएगा प्लस सी। अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, सी वन टू, वन और टू कितना हो चुका है थ्री, थ्री यानी क्या हो चुका है ओड, ओड यानी क्या स्टूडेंट्स, माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ बी, वन टू तो निकल ही चुका है। अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, सी टू वन, टू और वन कितना हो चुका है थ्री, थ्री यानी क्या हो चुका है ओड, ओड यानी स्टूडेंट्स माइनस, लेकिन टू वन तो निकल चुका है, कितना आपके पास सी। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक हुआ है, टू वन मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, वन वन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट्स कि एम वन वन की बात करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू जाना था, वो क्या आना था आपका डी आना था, तो आपका जो वन वन होगा वो कितना आएगा डी, ये बाकी से ये माइनस ऑफ सी। अब हम बात करते हैं सी वन टू हो गया, सी टू टू तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, और वो तो टू टू यानी पॉजिटिव आना, मतलब क्या आना आपका ए ही आना, बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर टू, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनर्स और कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट्स, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो और वन, इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स। सेकेंड एक और दिया इसी में स्टूडेंट्स, वन थ्री और जीरो, जीरो फाइव और वन, फोर माइनस वन और टू, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करना है हम लोगों को, माइनर्स और कोफैक्टर्स को फाइंड करना है, बहुत ही आसानी। चलिए क्वेश्चन नंबर इस फर्स्ट की बात करें स्टूडेंट्स, क्या फाइंड कर रहे हैं स्टार्टिंग में हम लोग, माइनस इसके फाइंड कर रहे हैं। पहले क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एम वन वन, वन वन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, स्टूडेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़िए, फर्स्ट रो गया है फर्स्ट कॉलम गया, इसका इनटू इसमें स्टूडेंट्स वन माइनस जीरो, यानी वैल्यू कितनी हो चुकी है वन। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एम वन टू की, मतलब की फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वन इंटू जीरो स्टूडेंट्स जीरो, माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो, वैल्यू इज जीरो। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एम वन टू हो चुका है, एम वन थ्री की फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जीरो इंटू जीरो जीरो, माइनस जीरो इंटू वन जीरो, फाइनली वैल्यू इज जीरो। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एम टू वन, एम टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वन इंटू जीरो जीरो, माइनस जीरो इंटू जीरो, सॉरी जीरो इंटू जीरो जीरो, फाइनली वैल्यू इज जीरो। अब स्टूडेंट्स एम टू टू की बारी है, एम टू टू यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, स्टूडेंट्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा वन इंटू वन वन, माइनस जीरो इंटू जीरो जीरो, वैल्यू इज वन। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एम टू थ्री की, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी जीरो इंटू वन जीरो, माइनस जीरो, वैल्यू इज जीरो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एम थ्री वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो इंटू जीरो जीरो, माइनस वन इंटू जीरो जीरो, वैल्यू इज जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर अब हम बात करें एम थ्री टू की, थ्री टू तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जीरो इंटू वन जीरो, माइनस जीरो, वैल्यू इज जीरो। अब हम बात करें सी थ्री थ्री,
सॉरी सी नहीं है, सी नहीं है, एम निकाल रहे हैं हम लोग, एम थ्री टू माइनस निकाल रहे हैं, एम थ्री थ्री थर्ड रो थर्ड कॉलम वन इन टू वन वन माइनस जीरो वैल्यू इज वन। तो ये तो क्या आ चुके हैं स्टूडेंट, इसके माइनस आ चुके हैं। अगर कोफैक्टर्स की बात करें तो बहुत ही आसान है, सी वन वन, सी वन वन क्या होगा, वन और वन कितना हो चुका है टू, मतलब वही आपका जो यहां पर आया उसी को लिख दो, कितना हो जाएगा पॉजिटिव वन। अब हम बात करें स्टूडेंट्स सी वन टू की, सी वन टू की बात करें तो वन टू ये आपके पास वन टू कितना है जीरो, ये माइनस आना है लेकिन जीरो पर माइनस लगाओ या प्लस लगाओ एक ही बात है तो जीरो ही हो जाएगा। और स्टूडेंट सी वन थ्री की बात करें तो ये आपके पास सी वन थ्री ये कितना है जीरो, यहां पर वन और थ्री फोर हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है लेकिन जीरो क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव तो जीरो ही होना है। अब अगर हम बात करें इसके बाद सी टू वन की तो ये आपके पास टू वन कितना हुआ जीरो, ये टू वन यहां पर थ्री हो रहा है, थ्री यानी नेगेटिव आएगा लेकिन जीरो नेगेटिव होगा तो जीरो ही होगा। अब बात करें हम सी टू टू की तो ये टू टू कितना है वन, तो टू और टू कितना हुआ है फोर, फोर यानी क्या हो चुका है वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वन ही आना है। अब हम बात करते हैं सी टू थ्री की, ये आपके पास टू थ्री कितना है जीरो तो जीरो ही हो जाना है क्योंकि माइनस जीरो भी होगा तो जीरो ही होना है। अब हम बात करें स्टूडेंट सी थ्री वन की, थ्री और वन फोर पॉजिटिव हो रहा है लेकिन थ्री वन कितना रहा है जीरो तो जीरो ही आना है। अब हम बात करें स्टूडेंट सी थ्री टू की तो सी थ्री टू, सी थ्री टू यानी एम थ्री टू काम करेगा यानी जीरो ही आ रहा है, वो नेगेटिव भी है लेकिन माइनस सॉरी जीरो है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब सी थ्री थ्री की बात करते हैं तो एम थ्री थ्री कितना रहा है वन और थ्री कितना हो चुका है सिक्स यानी क्या हो चुका है इवन यानी क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये दीज आर दी कोफैक्टर्स एंड दीज आर दी माइनस। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वाला मैंने कंप्लीट कर दिया है, सेकंड वाला आप लोग घर पर ट्राई करिए, आपका ये होमवर्क है। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को रीसेंड कर दूंगा वापस से, मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े, मैं इसको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री इज यूज द कोफैक्टर्स, क्या करना है कोफैक्टर्स को यूज करना है और वो भी किससे स्टूडेंट सेकेंड रो के, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसका क्या करना है वैल्यू आपको फाइंड करना है किसका स्टूडेंट्स फाइव टू वन थ्री जीरो टू और स्टूडेंट्स एट वन और थ्री। क्या करना है आप लोगों को सेकेंड रो के जो कोफैक्टर्स का यूज करते हुए आप लोगों को क्या करना है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, कौन सी सेकेंड रो को के जो कोफैक्टर्स है उनका यूज करना है और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है, नहीं पता है तो डेल के इक्वल लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स रो कौन सी यूज करना है आपको सेकेंड रो, सेकेंड रो मतलब ये यूज करना है, मतलब स्टूडेंट समझना होगा क्या कि इसका जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आने वाला है, समझना जो डेल का जो वैल्यू आने वाला है ये कौन है स्टूडेंट्स पता है आपको ये टू वन है, क्यों क्योंकि सेकेंड रो से यूज करना है तो रो कौन सी सेकेंड, तो ए टू वन के साथ कौन आएगा स्टूडेंट्स सी टू वन आएगा, मतलब इसका कोफैक्टर भी आना है क्योंकि हमको क्या करना सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करते हुए आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए, मैंने कंसेप्ट स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। अब ये कौन है स्टूडेंट्स ए टू टू है तो कौन आ जाएगा इसके साथ सी टू टू आ जाएगा, फिर ये कौन है स्टूडेंट्स ए टू थ्री है तो इसके साथ कौन आ जाएगा स्टूडेंट सी टू थ्री आ जाएगा, बहुत ही आसान है, मतलब एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अब करना क्या है ए टू वन, ए टू वन की वैल्यू कौन है स्टूडेंट्स आपके पास टू, ए टू वन का वैल्यू आपके पास कितना है टू इंटू कौन है स्टूडेंट सी टू वन, तो ये तो आपके पास सी टू वन, टू वन मतलब सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स थ्री थ्री जा नाइन स्टूडेंट्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस एट टू जा सिक्सटीन, फिर स्टूडेंट्स प्लस ए टू टू, ए टू टू कितना हो चुका है जीरो, अब यहाँ कुछ भी आने वाला है स्टूडेंट्स वो जीरो ही हो चुका है, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ जो भी आएगा उसका इनटू जीरो के साथ तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा जीरो। अब इसको मैं सी टू टू को मैं लिख ही नहीं रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं पता है क्योंकि यहाँ जीरो आ चुका है, जीरो के साथ इंटू करोगे जीरो ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ए टू थ्री की, देखो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यों कितना ए टू थ्री वन है तो मुझे सी टू थ्री भी निकालना है। अच्छा ये टू थ्री जो है ये जो टू थ्री है एक सेकंड गड़बड़ हो चुका है स्टूडेंट, ये ए टू वन था, ये कौन है स्टूडेंट सी टू वन है। अब समझ ये जो सी टू वन जो है ना टू और वन मिलकर कितना हो चुका है स्टूडेंट थ्री, लेकिन क्या आएगा ये माइनस आएगा इसलिए एक माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा, यहां तो हो चुका है। अब टू थ्री, टू थ्री का एलिमेंट कितना है वन, लेकिन क्या चाहिए सी टू थ्री, तीन और दो कितना हो चुका है स्टूडेंट पांच हो चुका है, फाइव हो चुका है, फाइव यानी क्या हो चुका है ओड हो चुका है, ओड यानी क्या आएगा माइनस। अब क्या करना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3, 10 माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स 9 में से कितना माइनस हुआ है 16, बचा कितना है माइनस 7, ये माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस 7, यानी 2 इंटू कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 7, प्लस ये तो 0 ही हो चुका है, प्लस 1 इंटू 10 में से कौन गया स्टूडेंट्स 3, यानी क्या आ चुका है यहाँ पर माइनस ऑफ 7, क्योंकि प्लस 7 बचा है लेकिन बाहर क्या है माइनस, 7 2 जा कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 14, और प्लस माइनस क्या हो चुका है माइनस 7, यानी वैल्यू इज 7। तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स 7। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग दिमाग लगाइए। एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, सबका क्या करना है सम, और क्या आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू। अभी एक दो क्वेश्चन और ऐसे आएंगे उससे और ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपके पास बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूज द कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, क्या करना है थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, और ये जो डिटरमिनेंट आपको दिया है इसके वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है 1 1 1 एक्स वाई और जेड, और स्टूडेंट्स वाई जेड, और स्टूडेंट्स जेड एक्स, और स्टूडेंट्स एक्स वाई। ठीक है, क्या बोला उसमें यूज द कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, किसके कोफैक्टर्स को यूज करना है थर्ड कॉलम के कोफैक्टर को यूज करके इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना है, बहुत ही आसान। तो वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स डेल एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट ए, ए 13, कौन स्टूडेंट्स ए 13, क्योंकि कॉलम कौन सा है थर्ड ए 13 इनटू स्टूडेंट्स सी 13, प्लस स्टूडेंट्स प्लस क्या आने वाला समझ लो ए, ये कौन सा अगला ए 23 इंटू सी 23, अरे थर्ड कॉलम में ही रहना है आपको एलिमेंट ये और ये, और ये वाला नेक्स्ट, ये वाला एलिमेंट कौन सा है थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, मतलब कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स ए 33 इंटू सी 33, ये जो आएगी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है। बहुत आसान स्टूडेंट, उसने कॉलम बोला था, रो पिछली बार सेकंड में ऐसे चले थे, थर्ड रो बोलता था हम लोग ऐसे चलते स्टूडेंट, अब कॉलम बोला उसने थर्ड कॉलम, यानी ये कॉलम इसके एलिमेंट्स को लेते हुए चलना है, तो ये कौन सा इसका नंबर कौन सा स्टूडेंट्स इस कॉलम, ये वाला एलिमेंट का नंबर कौन सा 13, क्योंकि 1 तो रो और थर्ड कॉलम है, इसका एलिमेंट स्टूडेंट्स 23 और इसका एलिमेंट 33, और इसके साथ इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, और उनका क्या करना है सम करना है। अब A13 की बात करें स्टूडेंट्स तो कौन है आपके पास YZ, और C13 स्टूडेंट्स C13 की बात करें तो 1 तो आपको क्या करना है रो छोड़ना है, ठीक है, और थर्ड आपको कॉलम छोड़ना है, 1 रो और थर्ड कॉलम, यानी जेड माइनस वाई स्टूडेंट्स जेड माइनस वाई, प्लस 2 3 कौन है स्टूडेंट्स जेड एक्स है, और 2 3 2 और 3 कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 5 हो चुका है, 5 हो चुका है मतलब क्या आएगा माइनस, अब क्या करना है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो कौन हो जाएगा जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज, प्लस स्टूडेंट्स ए 33 कौन है आपके पास एक्स वाई, लेकिन सी 33 3 और 3 कितना हो चुका है 6 हो चुका है, 6 हो चुका है मतलब क्या बन चुका है वो पॉजिटिव बन चुका है, क्यों क्योंकि इवन आया है सम, तो 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो वाई माइनस एक्स, क्या बन रहा है स्टूडेंट्स वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब बहुत ही आसान है, अब करना क्या है कोई सॉल्यूशन बन नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले इसका इंटू कर देते हैं स्टूडेंट, क्लास 10th में हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे, ठीक है, तो इसको पहले क्या कर लेते हैं इंटू कर देते हैं, जैसे इंटू करेंगे स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स वाई जेड स्क्वायर, वाई इंटू जेड तो क्या बन जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस स्टूडेंट्स जेड वाई स्क्वायर, जब ये आएगा तो प्लस की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो यहां से माइनस को मन कर लीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जैसे इसका इंटू इसमें करोगे देखो माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा जेड एक्स इंटू एक्स माइनस जे, और यहां इंटू कर सकते हैं स्टूडेंट्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यहां एक इंटू और करना बाकी है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है और इंटू कर दिया है, आप भी कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे ये कौन है आपके पास वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, और प्लस स्टूडेंट जेड इंटू एक्स क्या बन जाएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस स्टूडेंट जेड एक्स इंटू जेड क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, और ये तो इंटू हो चुका है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, तो क्या करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने पढ़ रखा है तो क्या करना है स्टूडेंट्स सबसे पहले अरेंज करना है, अरेंज पावर
पावर ऑफ एक्स। क्या कर रहे हैं हम लोग, अरेंज द पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर को पहले हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी पावर ये रही आपके पास जेड एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये रहा स्टूडेंट्स जेड एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये रहा स्टूडेंट्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स की पावर को अरेंज कर रहे हैं। तो पहले बड़ी पावर लिख ली, अब एक्स वाले को लिख लेते हैं। तो एक्स वाला पॉजिटिव लिख लो, ये कौन हो गया स्टूडेंट्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और एक और एक्स वाला कहीं ना कहीं छुपा होगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास नहीं एक्स वाई स्क्वायर आ गया माइनस जेड स्क्वायर एक्स आ चुका है। अब जो बच गया उनको लिख लो, तो प्लस कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स वाई जेड स्क्वायर, और माइनस कौन आ जाएगा स्टूडेंट जेड वाई स्क्वायर। नहीं समझा नहीं, सबसे पहले एक्स की बड़ी पावर लिखो, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर एक्स वाले को लिखो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर जो बच गए उन बिना एक्स वाले को लिख लो। अब देखो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर को कॉमन करिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स जेड माइनस वाई। अब ध्यान ये रखना है कि अगर ये जेड माइनस वाई बनाए तो सारे ही क्या बनना चाहिए जेड माइनस वाई बनना चाहिए। अब बनाने के लिए देखो स्टूडेंट्स एक्स यहां भी है एक्स यहां भी है, लेकिन ये वाई माइनस जेड बनेगा, हम क्या करेंगे माइनस ऑफ एक्स को कॉमन करेंगे। तो जैसे एक्स यहां से भी गया एक्स यहां से भी गया, अब माइनस भी कॉमन हुआ, माइनस वाला क्या बन जाएगा पॉजिटिव जेड स्क्वायर, और ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव वाई स्क्वायर। अब वाई यहां भी है वाई यहां भी, जेड यहां भी है जेड यहां भी, तो प्लस वाई जेड को कॉमन कर लीजिए, एक वाई गया और एक जेड गया तो एक जेड बच चुका है, माइनस एक वाई गया और एक जेड गया तो कौन बच चुका है वाई। अब क्या करना है स्टूडेंट समझना, ये कौन हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट जेड माइनस वाई, ये कौन हुआ है माइनस एक्स, और देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको हटा रहा हूं स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब देखो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या बना है जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी जेड माइनस वाई और स्टूडेंट्स जेड प्लस वाई, ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। प्लस स्टूडेंट्स यहां पर कौन है आपके पास वाई जेड है, और यहां पर कौन स्टूडेंट जेड माइनस वाई। अगर अब आप देखेंगे तो यहां क्या लिखा जेड माइनस वाई, यहां क्या है जेड माइनस वाई, यहां पर क्या है जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई को क्या कर लीजिए कॉमन। जैसे जेड माइनस वाई को कॉमन किया स्टूडेंट्स यहां कौन आया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये तो गया यहां से, बचा कौन स्टूडेंट्स माइनस ऑफ एक्स, ये जा चुका है, बचा कौन स्टूडेंट्स जेड प्लस वाई। प्लस स्टूडेंट्स ये जा चुका है, बचा कौन आपके पास वाई जेड, ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। अब ये कौन स्टूडेंट्स बाहर आपके पास जेड माइनस वाई। अब यहां की अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर, इसका अंदर इंटू करो स्टूडेंट्स, तो माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स वाई और प्लस स्टूडेंट्स वाई जेड, ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, पहले किसकी पावर को अरेंज किया था एक्स की, तो अब क्या करोगे स्टूडेंट्स एक्स के बाद किसकी बारी वाई की, तो क्या करना है आपको अरेंज पावर ऑफ वाई, किसको अरेंज कर रहे हैं हम लोग वाई की पावर को। तो देखो ये क्या बना आपके पास जेड माइनस वाई, वाई वाले को, अब वाई की पावर वाले को लिखना है, वाई की पावर तो टू है नहीं तो वन वाला ही आना है, लेकिन पहले किसको लिख लो पॉजिटिव को लिख लो, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स वाई जेड माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स वाई। अब कोई वाई वाला नहीं बचता, देखो वाई जेड और कौन आ गया एक्स वाई, तो अब बिना वाई वालों को लिख लो कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज। अब स्टूडेंट्स बाहर कौन है आपके पास जेड माइनस वाई, यहां भी वाई है यहां भी वाई, वाई को कॉमन करेंगे, बचा क्या स्टूडेंट्स जेड माइनस एक्स, इसका मतलब आगे भी क्या बनना चाहिए आगे भी आप लोगों का जेड माइनस एक्स ही बनना चाहिए, लेकिन अगर एक्स कॉमन करते हो तो एक्स माइनस जेड बन रहा है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा माइनस ऑफ एक्स कॉमन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स जेड माइनस एक्स, ठीक है माइनस ऑफ एक्स कॉमन करना पड़ेगा। अब जेड माइनस एक्स यहां भी है जेड माइनस एक्स यहां भी, उसको क्या करेंगे कॉमन करेंगे। आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें, मैं ऊपर के स्टेप्स को क्लीन कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉमन, पहले से कौन है आपके पास जेड माइनस वाई, और कौन आ चुका है स्टूडेंट्स जेड माइनस एक्स आ चुका है। अब अंदर कौन बचा है स्टूडेंट माइनस एक्स गया, बचा कौन है वाई, और कौन आ गया माइनस एक्स, लेकिन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स साइक्लिक ऑर्डर में राइट करना है। अब साइकिल कैसे चलती है समझना, ये कौन है एक्स, ये कौन है वाई, और ये कौन है जेड, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स ऐसे चलता है। ये क्या स्टूडेंट्स वाई माइनस एक्स, माइनस कॉमन करो तो क्या बन जाएगा ये एक्स माइनस वाई, दिमाग में रखना आपके पास एक माइनस है बाहर, कहां है वो यहां है, मैं लिख नहीं रहा हूं, एक्स माइनस वाई हो गया। अब क्या चाहिए वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, लेकिन ये क्या है जेड माइनस वाई, वो माइनस इसको दे दो माइनस, फिर यहां से कॉमन करो या ये माइनस इसको दे दो या यहां से आप माइनस कॉमन कर लो, तो जैसे ही माइनस कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा वाई माइनस जेड, लेकिन एक माइनस आपने यहां से कॉमन किया, एक माइनस आपने यहां से कॉमन किया, वो दो माइनस इकट्ठे हो गए स्टूडेंट्स माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे, इसलिए मैं उनको लिख नहीं रहा हूं। एक्स माइनस वाई हो गया वाई माइनस जेड हो गया, और ये तो है ही सही स्टूडेंट्स कौन आपके पास जेड माइनस एक्स, तो वो जो डेल वो जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, आप लोगों को इतना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो एक्सरसाइज 4.4 का जो लास्ट प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 5,
थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है, उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वो बोल रहा है कि इफ द डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट दे रखा है स्टूडेंट्स, डेल इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डिटरमिनेंट दे रखा है आप लोगों को और बोल रहा है एंड Aij एलिमेंट एंड एडजॉइंट सॉरी एंड द कोफैक्टर इज Aij, देन द वैल्यू ऑफ डेल, जो डेल है उसका वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके पास। ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाला जो है A11 एलिमेंट ऑफ 11, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका कोफैक्टर, इस बार इसने कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट किया है, A11 इंटू 11, नहीं आप समझे नहीं, मतलब उसने जो हम लोग C11 जो डिनोट कर रहे थे ना बुक वाले ने उसको A11 से डिनोट कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा कोफैक्टर है वो उसने A से डिनोट कर दिया है और एलिमेंट को उसने स्मॉल A से डिनोट कर दिया है। A11 और प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33। बी वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है स्टूडेंट्स A11 A11 प्लस A12 A21 A13 इंटू A31। सी वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है A21 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A12 प्लस A23 इंटू A13। और लास्ट ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट्स वो दे रखा है A11 कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस A21 कोफैक्टर ऑफ 21 प्लस A31 और कोफैक्टर ऑफ A31, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दे रखा है। अब बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमने क्या बोला था कि जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो एलिमेंट इनटू क्या होना चाहिए, कोफैक्टर होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स समझना अच्छे से, ये A11 ठीक है, A12 लेकिन यहां का क्या आ चुका है, यहां A12 है तो यहां भी क्या होना चाहिए, कोफैक्टर ऑफ 12 होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, कोफैक्टर ऑफ 32 है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं है। अब हम यहां पर बात करें A11 ठीक है, A12 ये 21 हो चुका है, ये 12 है और ये कौन हो चुका है 21, यहां भी क्या होना चाहिए था, यहां भी 12 होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी क्या हो चुका है, इनकरेक्ट हो चुका है, मतलब ये इसका वैल्यू नहीं है। अब बात करें ये A21 है और ये कौन है स्टूडेंट्स, A11 है, मतलब इसका यही हो गया, क्योंकि अगर ये एलिमेंट ऑफ 21 है तो कोफैक्टर ऑफ भी 21 होना चाहिए, ये भी नहीं है। अब यहां की बात करें तो 11 कोफैक्टर ऑफ 11, एलिमेंट ऑफ 21 कोफैक्टर ऑफ 21, एलिमेंट ऑफ 31 कोफैक्टर ऑफ 31, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि देखो एलिमेंट इनटू कोफैक्टर करस्पोंडिंग प्लस एलिमेंट इनटू करस्पोंडिंग कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू करस्पोंडिंग कोफैक्टर, ये मिल रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया है, करेक्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का एक्सरसाइज 4.4 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.5 के साथ आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।